हेलो एंड वेलकम एंड ऑल, मैं हुमान आप सभी का वेलकम करता हूं नागपुर बिंदास बोल में। फिलहाल नागपुर शहर में बढ़ते हुए पेट्रोल के रेट सबको ही आश्चर्यचकित कर दिए। आज जानेंगे नागपुर शहर की क्या राय है बढ़ते हुए पेट्रोल के ऊपर। आज जानेंगे नागपुर के लोगों से कि वो लोग क्या सोचते। चलिए भैया, आपका नाम? विकी गंजानी। विकी भाई, ये बताइए कि नागपुर में जो इतने पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ गए, उसमें आपकी क्या राय है? अरे यार, इतने ज़्यादा रेट बढ़ गए, अब तो ऐसा लग रहा है कि साइकिल ही चलानी पड़ेगी। हमारे विक्की भाई अब साइकिल चलाने वाले। आपसे पूछूंगा भाई कि जो नागपुर में इतने सारे प्राइसेस बढ़ गए पेट्रोल के, उसमें आपकी क्या राय? उसने यार वो लोगों की इनकम नहीं है इसलिए। मैं तो साइकिल चलाता। अच्छा, आप साइकिल चलाते हो, फर्क भी नहीं पड़ता? 5 रुपये हफ्ता चलता मेरा। तो ये नागपुर में जो इतने पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ गए, उसमें आपकी क्या राय? सर, मेरी राय तो ये है कि लोगों ने मोदी जी पे इतना भरोसा किया, उनको इतने वोटों से जीता है, उनका बहुत बहुमत है, एक तरफा बहुमत है, लेकिन उन्होंने जनता के साथ पूरा धोखा किया है। कांग्रेस के शासन में 68 रुपये पेट्रोल था, तो स्मृति ईरानी जी चूड़ी अपने प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह को दिया था। अब मैं आपके ज़रिए स्मृति ईरानी से जानना चाहता हूँ, क्या सेम चूड़ियाँ वो मोदी जी को भी देंगी क्या? शंकर बजाज। शंकर जी, ये बताइए कि अगर जो नागपुर में इतने सारे पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ गए, उसमें आपकी क्या राय है? सर, प्राइसेस बढ़ तो रहे हैं, लेकिन कैसा है वैसा धंधा भी बढ़ना चाहिए। मार्केट में धंधा तो है नहीं, ये मोदी जी जो भी पेट्रोल के रेट बढ़ा रहे हैं, इतने रेट नहीं बढ़ने चाहिए मेरे हिसाब से। तो क्या लगता है कि जो आने वाले चुनाव में मोदी जी को सपोर्ट करेगी या नहीं करेगी? अभी देखा जाएगा आगे क्या होने वाला है। भैया, सबसे पहले आपका नाम? सतीश गिरिडे। सतीश जी, ये बताइए कि जो नागपुर में इतने पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ गए, उसमें आपकी क्या राय? क्या बताओ सर, ये तो नाइंसाफी हो रही है सबके साथ, जनता के साथ। लगता है कि आने वाले समय में भाजपा को वोट दिया जाएगा, क्योंकि उसका पेट्रोल जो मिलता है वो भी कम ही है बोलते, और बार बार ये मोदी सरकार प्राइस ही बढ़ा रही है। तो आने वाले चुनाव में क्या मोदी सरकार को वोट मिलेगा या नहीं? टाइम की बात है, 24 से ना भी आने को बहुत टाइम है, क्या बदलेगा क्या नहीं मालूम नहीं अभी। किस बारे में? अभी तो दे दिया ना, अभी उसके बारे में क्या, अभी तो आ गया, आने वाले समय में देखूंगा ना। अभी तो हो गया। आशीष जी, ये बताइए कि जो नागपुर में इतने पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ गए, उसमें आपकी क्या राय है? सर, ये पेट्रोल के रेट इतने बढ़ जाने की वजह से वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद द रेट। हम लोग को इतना ज़्यादा तकलीफ है, हम लोग को छोड़िए, हम लोग के वर्कर जो काम करते हैं, जो गाड़ी कैसे भी अफोर्ड करके इन्होंने 4-व्हीलर 2-व्हीलर जो भी इन्होंने अफोर्ड किया है, वो आज साइकिल से आने पे मजबूर हो चुके हैं। हम लोग भी कई बार कई जगह ऐसा होता है कि हम लोग वॉकिंग चले जाते हैं, कहीं हमको जाना भी होता है तो हम गाड़ी प्रीफर नहीं करते हैं, क्योंकि पूरा बजट बिगड़ चुका है हम लोगों का। जो मंथली हम लोग जिस हिसाब से चलते थे और अभी जिस हिसाब से मार्केट चल रहा है, हम लोग का मार्केट में ना ही हम लोग का जिस तरीके से हम लोग का इनकम आना चाहिए वो भी नहीं है, व्यापार पूरी तरीके से ठप पड़ा है, और ऊपर से ऊपर सरकार हर चीज़ की रेट बढ़ा जा रही है, इससे बहुत ज़्यादा तकलीफ है हमको ये रेट्स वगैरह से। क्या लगता है जो अगली उम्मीद है चुनाव में, उसमें लगता है कि हम मोदी जी को वोट दे पाएंगे वापस, भाजपा को वापस ला पाएंगे? ये हमसे बेहतर तो खुद सरकार ही जानती है, क्योंकि उनको भी मालूम है कि वो क्या कर रहे हैं। इस तरीके से वो फेस भी नहीं कर पा रहे हैं पब्लिक को, जिस तरीके से पब्लिक को हैरेस कर रहे हैं, फीडबैक उनको हमसे ज़्यादा पता है। सिर्फ यही है कि मीडिया का अगर सोर्स उनके साथ ना जुड़ा रहे तो कहीं ना कहीं सारी चीज़ों में क्लैरिटी निकल के सामने आ जाएगी। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये है कि ईवीएम मशीन जो है उसको हटाना चाहिए और बैलेट बॉक्स से वोटिंग होना चाहिए, तो सारा पिक्चर क्लियर हो जाएगा। मैं कुणाल श्रीवास्तव। कुणाल जी, जो पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, उसमें आपकी क्या राय? मेरी तो यही राय है कि अब रामदेव बाबा जो व्हीकल बना रहे हैं गोमूत्र से चलने वाला, वो ले लूंगा मैं चलाने के लिए। मैं ये भी मैंने पहली बार सुना है कि रामदेव बाबा ऐसा कोई व्हीकल बना रहे हैं जो गोमूत्र से चलेगा। और भैया, आपका नाम? कुणाल जी ने आविष्कार किया है अभी सामने आए हमारे, जो रामदेव बाबा से शायद जुड़े हुए हैं, जो तभी हमें बता पा रहे हैं। आप बोलिए, जब तक वो व्हीकल लेंगे तब तक पैदल आऊंगा, तब तक वो नरेंद्र मोदी जी रामदेव बाबा के सर पे हाथ ना रखेंगे उनको व्हीकल बढ़ाने के लिए, तब तक मैं पैदल ही आऊंगा। भैया, सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम कमलेश गुप्ता। रोज गाड़ी चलाते हो? तो ये बताइए, जो पेट्रोल के दाम बढ़ गए, उसमें आपकी क्या राय? भैया, बहुत परेशानी होती है, हम डेली अपने को घूमना है मार्केट में, डिफ़िकल्ट है, पेट्रोल के दाम आए दिन बढ़ते जा रहे हैं, जितनी सैलरी है वो आधे से ज़्यादा पेट्रोल में चली जाती है, घर चलाने को काफ़ी तकलीफ होती है। अब सरकार ने इसमें कुछ एक्शन लेना चाहिए, लेकिन आए दिन बढ़ रहे हैं तो काफ़ी परेशानी है। क्या लगता है कि आने वाले समय में हम भाजपा को वोट दे पाएंगे? अब ये वोट की राजनीति तो नहीं है, ये
दाम तो बढ़ रहे, ऊपर ऊपर नीचे अप डाउन हो रहे हैं। वोट जिसको देना है वो तो आदमी देगा उसको, इसमें राजनीति का कोई विषय नहीं है। सिर्फ ये कहना है गवर्नमेंट से कि आम जनता को काफ़ी तकलीफ हो रही है इसमें, तो इस विषय पे ध्यान देना चाहिए उन्होंने। सर बताइए कि जो पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं नागपुर शहर में, उसमें आपकी क्या राय? अरे भैया, अभी पहले तो वैलेंटाइन डे चल रहा है, अब पेट्रोल के दाम दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं। आपको भी पता है, पहले गर्लफ्रेंड नहीं थी, अभी अब सोचा गर्लफ्रेंड बनाएंगे तो अब पेट्रोल 100 रुपये लीटर हो गया है। बड़ी कीमतें बढ़ी है पेट्रोल की। बस अगर कोई भी लड़की देख रही है जिनके पास खुद की गाड़ी है और बहुत सारा पैसा है तो इनसे कॉन्टेक्ट करें क्योंकि ये तनाव अकेले घूम रहे हैं। भैया आपका क्या राय है इस पर? हाँ, पेट्रोल के दाम तो काफ़ी बढ़ चुके हैं हद तक के। क्या तकलीफें होती है आपको? बहुत तकलीफें होती है, जॉब के लिए तकलीफ है, पेट्रोल डालने के लिए तकलीफ, पैसे की दिक्कत आती, ज़्यादातर पेट्रोल में ही पैसे चले जाते हैं हमारे जॉब के। काफ़ी दिक्कत आ चुकी है अभी पेट्रोल के लिए। स्वाति जी ये बताइए कि पेट्रोल के दाम जो इतने बढ़ गए उसमें आपकी क्या राय? नहीं बढ़ने चाहिए थे ना, क्योंकि जो ऑफिस नहीं, अपने जो कॉलेज के लड़के हैं उनको जो पॉकेट मनी मिलती है वो तो उसमें ही जाती है ना, बेचारे सेविंग कहाँ से करेंगे, गर्लफ्रेंड को कैसे मतलब वैलेंटाइन है तो गिफ्ट कैसे देंगे, पूरा तो 100 रुपये उसमें ही जा रहा है। अगर उसको लॉन्ग ड्राइव पर जाके मतलब लेके जाना है तो फिर कैसे जाएगा बेचारा? फिर सिंगल लोग हैं, उनकी बहुत बड़ी समस्या है कि पेट्रोल के दाम बढ़ने की वजह से वैलेंटाइन वीक भी चल रहा है। मैम आप शादीशुदा? हाँ, लेकिन आप सिंगल लोगों के लिए लड़ रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है। यस 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 यस। आप अपने हस्बैंड के साथ लॉन्ग ड्राइव पे जाते हो? हाँ जाती हूँ, बट अभी वो ना थोड़ा इग्नोर कर रहा है, पेट्रोल ज्यादा बढ़ गया करके। इनके हस्बैंड से गुजारिश करूंगा कि प्लीज पेट्रोल के दाम बढ़ने पर इतना कंजूसी ना करे, इनको लॉन्ग ड्राइव पे लेके जाए। मैम आपको क्या लगता है कि जो पेट्रोल के दाम बढ़े उसमें आपकी क्या राय? उस वजह से मतलब जैसे कि ऑटो वाले हैं उन्होंने भी अपना बढ़ा दिया है तो आने जाने में प्रॉब्लम होती है। जैसे कि नॉर्मली मिडिल क्लास फैमिली जॉब करते हैं तो ऑटो से ही सर्वाइव करते हैं, तो वहाँ भी प्रॉब्लम हो रही है। 20 की जगह 30 ले रहे हैं, 30 की जगह 50 ले रहे हैं हम लोगों से, तो ये भी प्रॉब्लम है एक। क्या लगता है कि 2024 में या अब आने वाले समय में हम भाजपा को वोट दे पाएंगे? नहीं, मैं तो नहीं दूंगी, खुला बोल रही सोचेंगे। हाँ सोचेंगे, अगर उन्होंने कुछ किया इस बारे में तो देंगे, और नहीं किया तो नहीं। थैंक यू। सर सबसे पहले आपका नाम? प्रकाश सतपले। जिस तरह मोदी सरकार ने पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, वैसे तो बड़े बड़े वादे हुए थे चुनाव से पहले कि पेट्रोल डीजल के दाम कम होंगे, लेकिन जो अभी पेट्रोल के दाम बढ़े उसमें आपकी क्या राय? सर पेट्रोल के दाम बढ़े तो उसमें बहुत सारे हमको परेशानी वगैरह आने जाने में, महंगाई बढ़ गई उसके, और सब उसके पीछे तो सब बढ़ गया, बस वही बहुत परेशानी हो गई। अभी आने वाले समय में भाजपा की तरफ आपका रुख है या नहीं? मैं तो अभी नहीं चाहूँगा, क्योंकि मैं बहुत इसमें आ गया अभी, भाजपा को अभी तक वोट किया लेकिन अभी नहीं करूँगा। आम जनताओं से तो बात हो गई, लेकिन अभी जो हमारे ऑटो वाले भैया, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो अपनी पेट्रोल के दाम बढ़ गए उसके वजह से कितनी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा? कोई तकलीफ नहीं हमारे को, कोई भी तकलीफ नहीं, हमको बहुत खुशी है। किस बात की खुशी? पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, बैंक वाले हमारे छाती पे चढ़ रहे हैं, इंस्टॉलमेंट देने कहाँ से देंगे? पेट्रोल तो डालना ही है, गाड़ी तो खड़ी नहीं करना है, खड़े हैं भैया क्या करेंगे, स्कूल के बच्चे बंद है, सारी समस्या है, गाड़ी पासिंग कैसे करना, आज गाड़ी का टैक्स इंश्योरेंस भरने के लिए आदमी को 15,000 रुपये लग रहे, कैसा करेंगे? फिर गाड़ियाँ बोगस होंगी तो गवर्नमेंट हमारी गाड़ियाँ और लेके जाएंगे उठा के, इसके जिम्मेदार कौन है? गवर्नमेंट ही रही। ये भी बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि बात है अभी सिर्फ मरने की जगह चारा नहीं है ऑटो वालों के पास, कोई चारा नहीं। बहुत बड़ा सवाल है कि स्कूल के बच्चे बंद है, पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। सर ये दिल्ली बॉम्बे नहीं है ना, इतनी पब्लिक सिटी भी नहीं है, 12 बजे से बैठे अभी तक कोई को ठिकाना नहीं, क्या करेंगे? बताओ बड़े कहा घर में लेके जाएंगे क्या, पेट्रोल डालेंगे क्या, क्या करेंगे, क्या खाएंगे, अब बताइए। अब नहीं तो होना चाहिए, पूरा मार्केट खाली पड़ा देख लो, गली आर पार दिख रही, नहीं तो यहाँ से सवारी आती रहती, अभी सवारी नहीं है। आपसे पूछा क्या तकलीफ? तो बहुत तकलीफ है ऑटो वालों को, तकलीफ कर रहे, परेशान है ऑटो वाले पूरे, चार चार पाँच पाँच घंटे सवारी नहीं आती, बैठे रहते। एक तो ओला ने हमारा खत्म कर दिया धंधा, बाद में ई रिक्शा डाल दिया, उसने पूरा धंधा खत्म कर दिया। पेट्रोल महंगा हो गया इतना, अभी 1 लीटर पेट्रोल डालो 10,000 पेट्रोल खत्म, फिर पेट्रोल डालो तो घर में क्या लेके जाएंगे, बाल बच्चों को क्या खिलाएंगे, हम क्या खाएंगे? फिर भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि जिस तरह स्कूल्स बंद है, जिस तरह अभी पब्लिक रोड पर नहीं है, और जिस तरह पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, और सुबह से बोनी भी नहीं हुई है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। बैंक की इंस्टॉलमेंट भरनी है, और ये आम जनताओं के लिए समस्या थी, लेकिन ऑटो वाले भैया के लिए भी इतनी समस्याओं से गुजरना पड़ रहा है, ये सरकार के लिए एक बहुत बड़ा
बहुत बड़ा सवाल है कि सरकार इस पे क्या करेगी, क्या इसका जवाब ढूंढ पाएगी सरकार। नागपुर की जनता ने साफ साफ कह दिया कि बढ़ते हुए पेट्रोल के दाम से उन्हें बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। आम जनता नहीं बल्कि ऑटो ड्राइवर तक यहां से बहुत सारी मुसीबतों का सामना कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि सरकार ये सारी चीजें कैसे कर रही है और क्यों कर रही है। बढ़ते हुए पेट्रोल के दाम की वजह से आज आम जनता को कितनी तकलीफ उठानी पड़ रही है सरकार भी जानती है। क्या आने वाले समय में सरकार इनके लिए कुछ करेगी या नहीं, जब लोगों से पूछा गया कि आप भाजपा को वोट देंगे या नहीं तो कुछ लोगों ने साफ इनकार कर दिया और कुछ लोगों ने कहा कि हम सोचेंगे। अब तो आने वाला वक्त और पल बताएगा कि आने वाले चुनाव में भाजपा सरकार रहेंगी या नहीं, या आने वाले समय में पेट्रोल के दाम कम होंगे या नहीं। मेहमान यहां से तो अलविदा, मिलूंगा अगले एपिसोड में कुछ नए सवालों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए और देखते रहिए इन बी सी एन न्यूज, क्योंकि सच दिखाए बिना छुपाए।